बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब क्या बात है बहुत अच्छे बहुत खूब नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं हूं आपका दोस्त मेरा नाम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन बताने में क्या अर्ज है मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा जो ये कहने के लिए रोज आता है कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और जिंदगी के लिए हमें मिलकर कहना चाहिए बहुत खूब। जिंदगी में बातें कुछ ऐसी हो जाती है मसलन मोहब्बत। अब मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि हो जाए तो हो जाए न हो तो न हो। लेकिन क्या हुआ, एक साहब थे, एक प्रोफेसर थे, वो अपने क्लास में अपने बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये जो प्यार की भूख होती है वो पेट की भूख से बड़ी नहीं होती, ज्यादा बड़ी पेट की भूख होती है, प्यार की भूख नहीं होती। तो बच्चों ने कहा सर जरा एक्सपेरिमेंट करके बताइए कि भाई पेट की भूख बड़ी कैसे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक चूहा लिया, उस चूहे को दो तीन दिन भूखा रखा और तीन दिन बाद कहा चलिए आज मैं साबित कर देता हूं कि पेट की भूख ज्यादा बड़ी है या प्यार की भूख ज्यादा बड़ी है। उन्होंने उस चूहे को लाया क्लास में बच्चों के सामने, चूहा उस पिंजरे से निकाला छोड़ा और चूहे के सामने पहले दो चीजें रख दी, इस तरफ उन्होंने गेहूं के दाने रख दिए, इस तरफ चूहिया रख दी और बच्चों से कहा कि देखिएगा ये किस तरफ जाता है। चूहा भूखा, चूहा बाहर निकला, चूहिया को देखा, गेहूं के दाने देखे, चूहिया को देखा, गेहूं के दाने देखे और धीरे से गेहूं के दानों की तरफ बढ़ गया। तो उन्होंने कहा देखिए पेट की भूख बड़ी होती है नहीं होती है। खैर बच्चों ने कहा नहीं सर एक बार में तो नहीं हो सकता, दूसरी बार भी करके बताइए। उन्होंने कहा ठीक है दो दिन बाद फिर से करते हैं। दो दिन बाद वही प्रयोग दोहराया गया, भूखा चूहा सामने एक चूहिया, इस बार बाजरे के दाने रख दिए। अब चूहा बाहर निकला, चूहिया देखिए बाजरे के दाने देखे, इस बार बाजरे के दानों की तरफ चला गया। बच्चों ने कहा सर एक बार और, तीसरी बार में फाइनली हम मान जाएंगे कि भाई पेट की भूख ही ज्यादा बड़ी होती है। उन्होंने कहा ठीक है। तीसरे दिन भी भूखा चूहा छोड़ा गया एक तरफ, चूहिया इस बार उन्होंने मक्की के दाने रख दिए। अब चूहिया जो वहां थी मक्की के दाने यहां थे, चूहे ने दोनों तरफ देखा और मक्की के दानों की तरफ मुड़ गया। तब उन्होंने कहा बच्चों देखो साबित हो गया ना कि पेट की भूख ज्यादा बड़ी होती है प्यार की भूख से। तो एक बच्चे ने कहा कि सर रोज अनाज के दाने बदल रहे हो, एक दिन चूहिया भी बदल के देख लो। तो दोस्तों जिंदगी में बदलना हमारी फितरत है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती कि हम मिलकर कहते हैं बहुत खूब। तो आइए आज जो हमारे साथ ये कहने के लिए आए हैं कि भाई बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, तो बहुत खूब कहने वाले वो लोग कौन हैं, हम उनका परिचय करते हैं। सबसे पहले जो बैठे हैं वो बैठे हुए भी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई छोटा मोटा आदमी खड़ा हो। आदि से अंत तक विशाल है, बंद गले का कोट पहना हुआ है और काले इस कोट में बड़े भव्य से वो लग रहे हैं। त्रिपाठी जी हैं, राघवेंद्र त्रिपाठी इनका नाम है। हालांकि ये रिटायर हो चुके हैं लेकिन आपके चेहरे से आपकी उम्र का एहसास नहीं होता बिल्कुल भी। खिजाब आपने बड़ा कमाल का लगाया है, इससे जाहिर होता है राघवेंद्र जी के जवानी रहे ना रहे लेकिन बनाए रखना बड़ा जरूरी होता है। राघवेंद्र त्रिपाठी जी के लिए जरा हम जोरदार तालियां बजाएंगे। और त्रिपाठी जी के बाद ये जो मनुष्य से प्रतीत होते हैं बहुत अच्छे। आप इनका चेहरा मोहरा देखिए, अत्यंत चार्ल्स डार्विन की मुझे याद आती है। जब भी मैंने देखता हूं चार्ल्स डार्विन की मुझे बड़ी याद आती है। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी और ये कहा था कि मनुष्य पहले बंदर था। मैंने जब भी देखता हूं मुझे लगता है कि चार्ल्स डार्विन को यह कहने की क्या जरूरत है। कुछ चीजें था नहीं होती है हो जाती है। खैर ये तो मजाक की बात है। ऑन अ लाइटर साइड सर्वेश अस्थाना इनका नाम होता है, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना। बड़े कमाल के व्यंग्यकार हैं, इनके कॉलम बहुत सारे अखबारों में ये लिखते हैं। मेरा और इनका बड़ा मजाक का नाता है इसलिए मैं इन्हें अक्सर ऐसा कह दिया करता हूं, हालांकि ये बड़े खूबसूरत हैं ऐसा इनका मानना है। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना और डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी के बाद जो है वो बड़ी शबनबी अंदाज में और शबनबी आवाज में अपनी बात कहती हैं। शबाना इनका नाम है और तखल्लुस है शबनम, शबाना शबनम। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहती हैं, अपनी गजलें कहती हैं, अपने गीत सुनाती हैं और आज ही हमें क्या सुनाएंगी ये तो जब यहाँ पे आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन अभी हमारा एक फर्ज है कि ये हमारे बीच में आई है तो आप दोनों इनके लिए जरा तालियां बजाइए। भाई क्या कर रहे हैं।
तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। और प्रारंभ में कहां से करूं? प्रारंभ करना चाहता हूं उनसे जो जिंदगी की नौकरी से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी हंसने हंसाने से और महफिल सजाने से रिटायर नहीं हुए। और कैसे होंगे साहब, आदमी उम्र से नहीं दिल से जवान होता है। राघवेंद्र त्रिपाठी हमारे दिल से जवान है, आइए जरा उनका स्वागत करें। नमस्कार। नमस्कार। आइए, प्रेमिका के रूप की प्रशंसा प्रेमी कैसे कैसे कर सकते हैं जी। एक फौजी अपने प्रेमिका के रूप की प्रशंसा कर रहा है। अच्छा, फौजी की प्रेमिका प्रशंसा कैसे? हाँ। प्रेमिका के रूप की प्रशंसा फौजी करता था, तेरी नजरों में तो रॉकेट का निशाना है। आए, 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 क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। प्रेमिका के रूप की प्रशंसा फौजी करता था, तेरी नजरों में तो रॉकेट का निशाना है। गोल गोल गाल तेरे हाथ गोले जैसे लगे भौहें, जैसे एक 47 को ताना है। क्या बात है कि गोल गोल गाल तेरे हाथ गोले जैसे लगे भौहें, जैसे एक 47 को ताना है। तेरी ये जवानी लगे बारूदी सुरंग जैसी, गर फट जाए तो तबाही मच जाना है। लगे बारूदी सुरंग जैसी, गर फट जाए तो तबाही मच जाना है। मैंने कहा फौजी तेरी प्रेमिका का रूप लगे जैसे हथियारों का अवैध कारखाना। और एक रचना दे रहा हूं आपको जी, पत्नी महिमा। आहा। कि पतियों की कोई औकात नहीं, क्या कह डाला है, पत्नी महान है जय बोलो। पतियों की कोई औकात नहीं, पत्नी महान है जय बोलो। बेलन की हो बरसात नहीं, पत्नी महान है जय बोलो। बेलन की हो बरसात नहीं, पत्नी महान है जय बोलो। और शक्ति देखिए, आकाश उठा सकती सर पे, आकाश उठा सकती सर पे, तूफान को ला सकती घर पे, पर्वत को नचा सकती कर पे। क्या बात है, ये छोटा वज्राघात नहीं, इसलिए सदा ही जय बोलो। क्या बात है, पतियों की कोई औकात नहीं, पत्नी महान है जय बोलो। पति रात दिनों करता मेहनत बेचारा, तुम रात दिनों करना मेहनत। हाँ। घर गिफ्ट न लाए तो आफत, घर गिफ्ट न लाए तो आफत, साड़ी जेवर से है राहत, पूरी ना हो मांग तो बात नहीं, पत्नी महान है जय बोलो। और अंतिम बन जी, पति पुलिस कलेक्टर अफसर हो। हाँ। सौहाथी सा ताकतवर हो, सौहाथी सा ताकतवर हो, पत्नी के आगे वानर हो। पत्नी के आगे वानर हो, वानर सर्वेश। हो चूहा दे शेर को मात नहीं, पत्नी महान है जय बोलो। पतियों की कोई औकात नहीं, पत्नी महान है जय बोलो। बेलन की हो बरसात नहीं, पत्नी महान है जय बोलो। भाई क्या बात है, बहुत खूब भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। राघवेंद्र जी, ये जो आपने अपनी निजी विचारधारा, ये स्व अनुभव से ही प्राप्त हो सकती है। कहती है सारी जिंदगी, कहती है देखो तुम सुधर जाओ, आपको भी सुधारती होंगी, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ये पहना करो, ये पहना करो, और उसके बाद कह देती है अंत में तुम बदल गए।
सारी जिंदगी बदलने के लिए आपको तड़पा तड़पा के मार देती है और फिर कहती है कि आप भाई भाई आप भाभी जी आप प्लीज प्लीज बुरा मत मानना, मैं तो एक राघवेंद्र त्रिपाठी जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप जो आपके पति बगल में बैठे हैं उनसे थोड़ा ठीक ठाक उचित व्यवहार करना, मैं बस यूं जाके यूं आता हूँ, तब तक दुनिया के हर पति की पत्नी के लिए बहुत खूब। भाई पत्नियों की बड़ी औकात होती है, राघवेंद्र जी कुछ भी कहे, अगर आपको जीवन में सुखी रहना है, अगर आपको जीवन में संपन्न रहना है, अगर आपको जीवन में समृद्ध रहना है, अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है, और अब अगर आपको जीवन में रहना है तो ये मान के चलिए कि पत्नियों की औकात होती है, क्योंकि भाई जो महिलाएं होती है वो कमाल करती है, और जो महिला मोहब्बत के गीत लिखती है वो उनसे ज्यादा बड़ा कमाल करती है। मोहब्बत के गीत लिखने के लिए हमारे पास शबाना शबनम है, जो बहुत बढ़िया लिखती हैं और बहुत अच्छा सुनाती हैं, और जब बहुत अच्छा सुनाने वाला हमारे बीच में हो तो हमें क्या करना चाहिए और उन्हें बुलाना चाहिए, तो हम बुलाते हैं शबाना शबनम। नमस्कार, चार पंक्तियों से अपनी बात आप तक पहुंचाती हूं। आप थोड़ी थकी हुई हैं, अब मुस्कुराएं, ये मुस्कुराना जिंदगी में बड़ा जरूरी है। यूं कहा है कि प्यार के दीप जल रहे होंगे, प्यार के दीप जल रहे होंगे, प्यार के दीप जल रहे होंगे, ख्वाब करवट बदल रहे होंगे, और तू भी तैयार हो के चल शबनम, वो भी घर से निकल रहे होंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, भाई वाह वाह वाह। चार पंक्तियां और मुझे याद आती है, मोहब्बत और एहसास की बात करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, कि वो मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह रहता है, वो मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह रहता है, वो मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह रहता है, मेरे जूड़े में गुलाबों की तरह रहता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह रहता है, मेरे जूड़े में गुलाबों की तरह रहता है, और पिछले 6-7 महीनों से किराए के बगैर वो मेरे दिल में नवाबों की तरह। हाय 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 हाय, क्या बात, क्या कहा आखिरी क्या पंक्ति थी, वो मेरे दिल में नवाबों की तरह रहता है। हाय, और सर्वेश ने मुझे कहा था भाई हास्य कवि इसका ये भी कर सकता है, मैं जूते की तरह रहती हूँ, वो जुराबों की तरह रहता है। तो जिंदगी में मोहब्बत ऐसे भी हो सकती है। एक गीत आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। बड़ी मोहब्बत से बुलाई गई हूँ, मोहब्बत का इजहार करती हूँ, लेकिन जब मोहब्बत में जुदाई शामिल होती है तो एक गीत लिखने का प्रयास किया है, आप तक पहुँचाती हूँ। कि तेरी याद सजन जब आए मेरा मन व्याकुल हो जाए, तेरी याद सजन जब आए मेरा मन व्याकुल हो जाए, धीरज छूट छूट जाए, धीरज छूट छूट जाए। क्या बात है, तेरी याद सजन जब आए मेरा मन व्याकुल हो जाए, क्या बात है, धीरज छूट छूट जाए, धीरज छूट छूट जाए। और बंद देखिएगा जी, कि सुने सुने द्वार हैं, सुनी है चरपैया, ओहो, सुने सुने द्वार हैं, सुनी है चरपैया, जीवन तपती धूप है जिसमें नहीं है छैया, पपीहा पपीहा पीहू पीहू जब गाए, कोयल मीठे गीत सुनाए, धीरज छूट छूट जाए, धीरज छूट छूट जाए, तेरी याद सजन जब आए, वर्षा की रुत आ गई, बागन आई बहार, वर्षा की रुत आ गई, बागन आई बहार, तुम बिन मेरे सांवरे कैसे करूं सिंगार, ये धरती जब जल थल हो जाए, भाभी मेरे केश उड़ाए, धीरज छूट छूट जाए, धीरज छूट छूट जाए, तेरी याद
याद सजन जब आए, और गीत का आखिरी बंद आपके हवाले करते जी जी साथ। और रिम झिम हर तरफ महकी पड़े फुहार, रिम झिम हर तरफ महकी पड़े फुहार, फूलों पे भी आ गया शबनम आज निखार, ये बादल बादल से टकराए, बिजली चमक चमक रह जाए, धीरज छूट छूट जाए, धीरज छूट छूट जाए, तेरी याद सजन। भाई वाह वाह भाई बहुत बढ़िया। शबाना शबनम जी आपने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया गीत पढ़ा, और आपने बता दिया कि प्रेम अनंत होता है, और इस गीत में प्रेमिका ने साफ साफ बता दिया कि उसके प्रेमी का नाम धीरज है तो छूट छूट जाता है। अब जब धीरज छूट जाता है तो वापस लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर हम छूट के जाएंगे तो हमें वापस लाना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम यो जाएंगे और यो लौट के आएंगे। तब तक हर उस प्रेमी के लिए कहते रहिए बहुत खूब। था ना कि हमें लौटा के लाना मुश्किल काम नहीं है, भाई हम तो खुद ही आ जाते हैं, और आए क्यों नहीं, आपसे इतनी मोहब्बत जो ठहरी। अब जब मोहब्बत होती है तो बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के कई नमूने ऐसे भी होते हैं, जैसे सर्वेश अस्थाना। मतलब नमूने से मेरा कोई आशय और नहीं है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सर्वेश अस्थाना भाई बड़े कमाल के व्यंग्यकार हैं, और इनके जीवन में भी मोहब्बतें हुई है, लेकिन इनके मोहब्बत के जो फसाने हैं वो थोड़े से अलग किस्म के हैं, और वो कहानियां अगर आप खुद सुनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, जिनके लिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, और हर खुशी से हर गम से अस्थाना होता है। जरा जोरदार तालियां। तो हमसे कोई प्रेम नहीं करता, मैं बहुतों से प्रेम करता हूँ। हाँ। और कोई हमको देखता नहीं, मैं मन में सोच लेता हूँ सिर्फ। हाँ। मैं किसी को देखता हूँ तो सोच लेता हूँ क्या हो सकता है, तो मैं चार पंक्तियां देता हूँ। जी जी। कि मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। हाय हाय हाय, ये है साथ में क्या। जो शैलेश जी ने बात की प्रेमिका मिली, प्रेमिका ने मेरे साथ बड़ी दिक्कत है। चार पांच साल पुरानी घटना है, मेरी शादी नहीं तय हो पा रही जी, ये आपको पता है, आप तो गवाह हो। सिर्फ पांच साल पहले पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। ओहो, खरीद बिक्री वाले, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा, शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया। इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। मैं आपको बता दूं सारे दर्शकों को कि निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहते हैं। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन। और चौथा जानना चाह रहा था
क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन? पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरी शुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किरायेदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किरायेदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप, आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। क्या बात है? आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूँ कि अपना घर द्वार बेच कर कम से कम साल दो साल के लिए किराए पर अवश्य। लेकिन वादा करता हूँ कि अपना घर द्वार बेच कर कम से कम साल दो साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल दो साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन कन्या को सुहाग तो मिल जाएगा। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सर्वेश। एक निर्धन कन्या को सुहाग तो मिल जाएगा, बहुत अच्छा। और मेरी समझदार बेटी, व्यंग की पंक्तियां देता हूँ, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। भाई क्या, बहुत अच्छा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटे को किराए पर उठाने लगे। भाई क्या बात। तो भाइयों बहनों अब मैं इस तरह जी रहा हूँ, दहेज लोभी बाप का बेटा होने का खामियाजा भुगत रहा हूँ, और रोज हर साल हर रोज किराए पर उठ रहा हूँ, किराए पर उठ रहा हूँ। चलते चलते एक शेर कहना चाहता हूँ कि हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। शैलेश जी आपको समर्पित करता हूँ। हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई फर्क नहीं, बस पैमाना बना रहे और ये मैखाना बना रहे। क्या बात, वाह 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 वाह। तो आपने देखा वार्षिक किराए पे उठने वाले इस दूल्हे को, जो आज भी यहाँ पे किराए से आए हैं, लेकिन सर्वेश की कविताएं भाई कमाल की थी, जो हास्य से शुरू होके व्यंग के रास्ते चली और करुणा के मोड़ पे जाके समाप्त हुई। जोरदार तालियां बजाएं हम सर्वेश। और सचमुच जिंदगी में आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, इस वक्त आप जो बैठे हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं किसी शायर के, मुझे दो शेर याद आते हैं, तो जाते जाते वही कह देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि एक ऐसा भी जाम हो जाए कि गम का किस्सा तमाम हो जाए। वो तो कहिए कि प्यार है उनसे, वरना जीना हराम हो जाए। इसलिए प्यार करिए अपने आप से, प्यार करिए जिंदगी से, प्यार करिए आसपास की हर चीज से, क्योंकि जिंदगी बड़ी प्यारी है। और जब आप इन सबसे प्यार करने लगेंगे तो जिंदगी हर तरफ से बोलेगी बहुत खूब।